नमस्कार, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों हम कोई रेसिपी व्यंजन नहीं बनाएंगे, बल्कि बनाएंगे सब्जियों में जान भर देने वाले पंचफोरन मसाले। ये तो हम सब जानते हैं, पंचफोरन सब्जियों के स्वाद को बढ़ाता है, साथ ही जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें भी नष्ट करता है। कहने का मतलब है कि मसालों का ये पंचामृत है। हम सब ये जानते हैं, देखते आए हैं कि पंचफोरन सब्जियों में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसा क्यों? आखिर ये पांच मसाले ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पंचफोरन के ये पांच मसाले अपने आप में ही आयुर्वेद में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और आयुर्वेद खुद हिंदुस्तान की हर रसोई में अपनी भूमिका निभाता आया है। तो पंचफोरन बनाने से पहले, यानी कि इन पांच मसालों को मिलाने से पहले, इन मसालों के गुणों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन जो है पेट के रोगों के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही ये आपके लीवर की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल की लत लगी हो, यानी कि शराब की लत लगी हो, उसका अजवाइन का सेवन किया जाए तो जो अल्कोहल की मात्रा आपके शरीर में है उसको कम करता है, घटाता है। अब बात करते हैं सौंफ की। तो सौंफ काफी जादुई तरीके से एसिडिटी को नष्ट कर देता है, साथ ही हमारे पेट को ये ठंडक पहुंचाती है। और अगर पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप खाना खाने के बाद सौंफ को थोड़ा सा मुंह में रख ले और उसे उसके रस को हल्का हल्का पूंछ के, जैसे लोग पान खाते हैं ना, तो मुंह में साइड में रख के उसको पूछते हैं और पूछ के उसके रस को पी लीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं सरसों की। जी हाँ, सभी लोगों को पता है कि सरसों सिर्फ मसालों में और पंचफोरन में ही प्रयोग किया जाता है। जी नहीं, अगर आपको कभी घबराहट महसूस हो रही हो, बेचैनी लग रही हो, तो आप सरसों का जो दाना है उसे आप थोड़ा मुंह में दो चार दानों को रख ले, या फिर ज्यादा अगर बेचैनी लग रही हो तो आप इसका पेस्ट बना ले और अपने बॉडी पर, फेस पे लगा ले, उससे भी आपको राहत मिलेगा। अब बात आती है मेथी दाने की। तो मेथी दाना जो है डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी लाभदायक होता है, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि जिसकी जितनी उम्र हो उतने दाने आप लेकर और हल्के गुनगुने पानी से पीजिए तो ये रामबाण काम करेगा आपके लिए, और ये शरीर की सूजन, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप जैसी कई बीमारियों को दूर भगाता है। तो अब मिलते हैं हम कलौंजी से। जी हाँ, कलौंजी ये छोटी से बड़ी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। कलौंजी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अब हमने इन सारे मसालों से आपको अवगत करा दिया, अब चलिए हम इन्हें एक साथ मिला के पंचफोरन बना के डब्बों में भर लेते हैं। हमने ये जो पांच मसाले लिए ये हमने बराबर बराबर मात्रा में लिए हैं। देखिए हमने एक डब्बा लिया है, कहता है डब्बा, और इसमें हम इसे भर के रख देंगे। मेरा पूरा एक डब्बा हो गया, ये आपका एक से दो महीने चल जाएंगे। वो आपकी सब्जी के अमाउंट पर होता है कि आप एक बार में कितनी सब्जियां बनाते हैं। मेरे यहाँ ये दो महीने चल जाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।